दोस्तों मार्केट अपडेट्स की न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और 172 पॉइंट चढ़ने के बाद निफ्टी में बहुत सारे मैं अपडेट लेके आया हूँ आपके लिए। बिना देरी किए चलिए दोस्तों अपनी वेल्थ बढ़ाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हर रोज की तरह जो पहला अपडेट ले लेते हैं वो ले लेते हैं यहाँ पे मार्केट की तरफ से। जिस तरीके से मार्केट में रिकवरी आई है, ये रिकवरी में बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग के चलते यहाँ पे निफ्टी 172 पॉइंट ऊपर चढ़ के बंद हुआ है। और वहीं अगर सेंसेक्स की बात करूँ तो सेंसेक्स भी 579 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मार्केट में हो क्या रहा है। दोस्तों जिस तरीके से मार्केट जो पिछला महीना था उसमें इतनी तेजी से गिरा था तो वहां पे बहुत ज्यादा सिस्टम में शॉर्ट्स थे। तो अब जिस तरह से हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव जो क्यूज आ रहे हैं, सबसे बड़ा पॉजिटिव क्यूज आ रहा है वो क्रूड की तरफ से आ रहा है, क्योंकि क्रूड जो पिछले महीने $86 तक चला गया था वो टूटता 73 तक आ गया है। तो सबसे अच्छी बात यही है हमारे लिए मार्केट की। उसके बाद जो लिक्विडिटी क्रंच था उसमें यहाँ पे एक्शन लिए गए हैं। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़े बड़े जो मीटिंग्स करी हैं उन मीटिंग्स में ये बताया गया है कि जल्दी से ये लिक्विडिटी क्रंच जो होगा वो जल्दी से शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे इस प्रॉब्लम को। मार्केट में जितनी लिक्विडिटी होनी चाहिए उतनी वापस लाने की कोशिश करेंगे। तो इसके चलते मार्केट में काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है और इस रिकवरी में जो शॉर्ट ट्रैप थे अब वो कट रहे हैं धीरे धीरे। अब वो जब कट रहे हैं तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बहुत तेजी से बन रही है, इसीलिए आप देख रहे हैं 3 दिन में मार्केट ऑलमोस्ट करीब करीब मैं बात करूं तो 500 पॉइंट रिकवर हो गया। तो जब 500 पॉइंट की इतनी तेज रिकवरी आई है तो यहां पे अब बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी कि आगे ये शॉर्ट कवरिंग और कितने दिन तक चल सकती है। अगर मैं यहाँ पे टॉप 3 गेनर और लूजर की बात करूं तो भारत पेट्रोलियम रहा सबसे नंबर 1 पे, दूसरा रहा मारुति सुजुकी, तीसरा रहा वेदांता। तो मारुति में आपको इतने दिन से बोल रहा था आप खरीद लीजिए क्योंकि मैंने खरीदा था और आपको मैंने वीडियो बना के दिखाया था कि मैंने क्यों खरीदा था, क्या रीज़न है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन के लिंक पे आप जाके वो देख सकते हैं वीडियो कि मैंने 2 स्टॉक जो खरीदे थे वो कौन से थे। अगर मैं लूज़र की बात करूँ यहाँ पे तो टेक महिंद्रा रहा सबसे बड़ा लूज़र, उसके बाद विप्रो, उसके बाद डॉक्टर रेड्डीज लैब। अगर मैं यहाँ पे लूज़र के कंसेप्ट बताऊँ कि यहाँ पे लूज़र ये 3 क्यों रहे, तो जो दोस्तों जिस तरह से मार्केट गिरा था तो गिरने में क्या हुआ था कि यही कंपनियां आईटी सेक्टर ने ऑलमोस्ट तेजी दिखाई थी, फार्मा ने तेजी दिखाई थी, अब यही कंपनियां गिर रही हैं जब मार्केट रिकवर कर रहा है। तो यह रहे टॉप 3 लूजर्स में। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है बेसिकली मास्टर कार्ड की तरफ से, जहाँ पे मास्टर कार्ड ने US में प्रोटेस्ट करने की एक कंप्लेंट डाली है कि जहाँ पे यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे इंडिया में जो बेसिकली जो रुपए कार्ड होता है उसको प्राइम मिनिस्टर हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो प्रमोट कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने ये बोला है कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है और जो इंटरनेशनल पेमेंट कार्ड प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए यहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत बड़ी दिक्कतें हैं और बहुत से यहाँ पे उनको फ्रीली काम नहीं करने दिया जा रहा है और बहुत सी चीज़ें ऐसी लगाई हैं। तो इसीलिए उन्होंने US में ये कंप्लेंट करी है और प्रोटेस्ट किया है बेसिकली कि अगर वो अपना पेमेंट सिस्टम प्रमोट कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस का क्या होगा। तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे महिंद्रा की तरफ से, जहाँ पे महिंद्रा के ऑटो बिक्री के आंकड़े आए थे उसमें जो सबसे अच्छी चीज़ रही है वो रही है ट्रैक्टर सेल्स के आंकड़े। यहाँ पे 17% का उछाल देखा गया है। जो यूनिट हैं वो करीब करीब 47,376 यूनिट इन्होंने बेची हैं अक्टूबर मंथ में। तो महिंद्रा के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि एस्कॉर्ट के भी काफ़ी अच्छे ट्रैक्टर सेल्स के आंकड़े आए थे जिसके बाद स्टॉक में करीब करीब रॉकेट बन गया, ऑलमोस्ट 9-10% भागा था। तो महिंद्रा के स्टॉक के लिए भी ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगला अपडेट लेते हैं यहाँ पे रुपी की तरफ से कि रुपी की जो वीकनेस थी अब वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है क्योंकि क्रूड ऑयल ऊपर से नीचे आता जा रहा है और यहाँ पे आज जो मजबूती दिखाई है ऑलमोस्ट 1.02 रुपया की यहाँ पे मजबूती दिखाई है और अब जो प्राइस है वो यहाँ पे है 72.43 अगेंस्ट दी डॉलर। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे मार्केट के लिए क्योंकि इन्हीं 2 फैक्टर की चलते हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल ऑफ था। अब ये सेल ऑफ ठंडा पड़ता जा रहा है क्योंकि ये दोनों फैक्टर यहाँ पे मजबूत हो रहे हैं, क्रूड ऊपर से नीचे गिर रहा है और रुपया मजबूत हो रहा है। सेम अगला अपडेट ले लेते हैं, वो ले लेते हैं क्रूड ऑयल की तरफ से, जहाँ पे क्रूड ऑयल में बेसिकली यहाँ पे जो सप्लाई के बढ़ते हुए यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होने के चक्कर में यहाँ पे क्रूड और गिर गया है और अब जो प्राइस ट्रेड कर रहा है वो करीब करीब 72.50 डॉलर्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये मैं बॉटम की बात करूँ तो यहाँ पे पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं 70 या 69 तक जाने के लिए, यानी अगर ये 69 तक जाता है तो हमारे मार्केट के लिए रैली और अच्छी होती जाएगी और 10,800 10,900 तक निफ्टी आराम से जा सकेगा।
अगला अपडेट ले लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली आ रहा है इंडियन इकोनॉमी की तरफ से, जहाँ पे अरुण जेटली बोल रहे हैं कि करेंटली इंडिया जो बेसिकली छठवें नंबर पे इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से, बहुत ही जल्द तीसरे नंबर पे आ जाएगा। जो करेंटली अगर इंडिया की जो जीडीपी है वो है 2.59 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की, तो ये इतनी बड़ी जीडीपी है। और अरुण जेटली ने बोला है कि आगे आने वाले 2-3 साल में ये तीसरे नंबर पे आ जाएगी। अगला अपडेट ले लेते हैं। यहाँ पे एक्सिस बैंक की तरफ से शानदार रिजल्ट आए हैं। एक्सिस बैंक की तरफ से जो मुनाफा है वो करीब करीब 83% यहाँ पे बढ़ा है, और एस्टिमेट को इसने बीट किया है। प्रोविजन भी यहाँ पे इनके घटे हैं और एनपीए भी घटे हैं, तो बहुत ही अच्छे शानदार रिजल्ट है एक्सिस बैंक के। मंडे को देखना है कि किस स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। हालांकि नीचे से काफी अच्छा चल सका है, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आई। अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई तो ये भी आईसीआईसी बैंक की तरह 4-5-6% तक चलने की दमखम रखता है। अगला अपडेट ले लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली आ रहा है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने आज, जो नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने आज लॉन्च कर दिया है यहाँ पे क्विक एमएसएमई लोन, जो आप 1 करोड़ तक का ले सकते हैं 59 मिनट्स में। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 59 मिनट्स में। अब हालांकि देखते हैं ये सर्विस कैसे जल्दी से जल्दी लागू होती है। और यहाँ पे एमएसएमई लोन है तो जो लोग छोटे कारोबारी हैं जो कर रहे थे और जिनको लोन लेने में बहुत दिक्कत आ रही थी, अब वो लोग ये लोन ले सकेंगे आराम से और अपने कारोबार को बढ़ा सकेंगे। जिससे हो सकता है ये जो मूव है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे ये मूव इसलिए लाया गया है क्योंकि बहुत से जो छोटे कारोबारी थे उनके पास जीएसटी नंबर भी नहीं था, तो यहाँ पे अब क्लियरिटी पता चलेगी कि अब इस लोन के जरिए अपना बिजनेस एक्सपेंड करेंगे तो जीएसटी कलेक्शन भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो अक्टूबर में जीएसटी का जो कलेक्शन था वो 1 लाख करोड़ से भी ऊपर का निकल चुका है, तो ये फैसिलिटी लॉन्च करने के बाद शायद एमएसएमई सेक्टर के लिए और बूस्टअप बनेगा और जो लोग छोटे कारोबारी हैं उनको आसानी से लोन मिलेगा और वो अपना कारोबार या अपना बिजनेस को और तेजी से एक्सपेंड कर पाएंगे। अगला अपडेट ले लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनीज के लिए आ रहा है, जैसे कि आप वर्लपूल, सिम्फनी, ये सारे जो हैं, वोल्टास वगैरह, ये सारी चीजें दिवाली में इन कंपनियों की सेल्स बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिससे कि इनके स्टॉक्स पे भी थोड़ा सा मोमेंटम बन सकता है। तो आप भी इनके स्टॉकों को ट्रैक करिएगा और कोशिश करिएगा कि आपको भी कोई सही सा स्टॉक मिल जाए जो आपको दिवाली के आसपास तक अच्छा खासा मुनाफा दे सके। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के अपडेट इतने ही थे। आई होप ये अपडेट आपको पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।